हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास जियो का एक मॉडल है F41T। F41T इसमें प्रॉब्लम है हैंग ऑन लोगों का, ये पूरा ऑन नहीं हो रहा और स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ भी आ रहा। चलिए देखते हैं ऑन करके इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा। ऑन करते हैं फ़ोन को। ये देखिए वार्निंग, OEM की वेरीफाई फेल्ड और वार्निंग सिस्टम विल रूट राइट नाउ, ऐसा कुछ एरर आ रहा और ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें ये पीसी पे जाना होगा और ये तीन फाइल चाहिए हमको, तीन फाइल नहीं सॉरी एक ही फाइल चाहिए और एक टूल चाहिए, एक ड्राइवर चाहिए। इस पैडम का ड्राइवर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और अपग्रेड टूल डाउनलोड करना पड़ेगा और आपको 41T का फाइल चाहिए। जिनके पास जिनके पीसी में इंस्टॉल्ड है वो इंस्टॉल नहीं करेंगे, जिनके पीसी में इंस्टॉल्ड नहीं है ये ड्राइवर वो ड्राइवर पहले इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने चूँकि पहले ही इंस्टॉल करके रखा है तो मैं ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करूँगा। जिनके जिनका इंस्टॉल नहीं वो करेंगे। फिर हमको इस पैटर्न अपग्रेड टूल ओपन करना है। तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पैटर्न अपग्रेड टूल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ हम लोग अपग्रेड डाउनलोड को ओपन करेंगे, ये एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। फिर हम यहाँ पे जाएंगे लोड पैकेट में। लोड पैकेट में जाने के बाद हम लोग वो फाइल सेलेक्ट करेंगे, हमने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है वो फाइल। तो चलिए डेस्कटॉप पे वो फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं F41T का। F41T को सेलेक्ट करके और फिर इसे ओपन कर लेंगे हम लोग। ये पैकेट लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फाइल लोड होने में। ये फाइल लोड हो रही है हमारी। फाइल लोड होने के बाद हम ये स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ये स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हमें फ़ोन पे जाना होगा। हमें फ़ोन, चलिए देखते हैं फ़ोन पे USB कैसे डालना है। फ़ोन पे जाना है हमें। फ़ोन पे जाने के बाद बैटरी अभी नहीं लगाना है चूँकि इस पर स्पेयर लगा हुआ है, तो इससे पहले बैटरी हम लोग नहीं लगाएंगे। इसका बूट की है 1, 1 की को हम लोग प्रेस करके रखेंगे, बैटरी अभी नहीं लगाएंगे। 1 की को प्रेस करके रखेंगे और केबल को लगाएंगे और बैटरी को लगा देंगे। 1 की प्रेस करके रखेंगे, केबल लगाएंगे, फिर बैटरी लगाएंगे। देखिए हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। देखिए हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे भाई लोग ये गलती करते हैं कि पहले ही बैटरी डाल देते हैं। पहले ही बैटरी नहीं डालना चाहिए, सबसे पहले हम लोग 1 की को प्रेस करके रखेंगे और फिर केबल लगाएंगे। प्रेस करके ही केबल लगाएंगे और उसके बाद बैटरी डालेंगे फ़ोन पे। तो उससे क्या होगा, हमारा फ़ोन डिटेक्ट कर जाएगा ड्राइवर इंस्टॉल्ड है तो हमारा डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा। देखिए डाउनलोड हो रहा है, फ्लैश हो रहा है फ़ोन। फ्लैशिंग पे थोड़ा टाइम लगता है। इस फ़ोन के फ्लैशिंग में थोड़ा टाइम लगता ही है दोस्तों। तो अब वेट कर ले और फाइल का और टूल का और ड्राइवर का तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसे सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और वीडियो से अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और वीडियो बनाने का भी मन करता है। तो फ्लैश हो रहा है हम लोग का, थोड़ा वेट कर लें। ये फ्लैशिंग हो रही है दोस्तों। फ्लैशिंग में थोड़ा टाइम लगता है।
और इसी तरह की और वीडियो, बहुत सारे मॉडल के फ्लैशिंग वीडियो अगर देखना चाहते हो तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्लैशिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा है, तो कृपया वेट करें ये कंप्लीट होने तक। कंप्लीट होने पे ये प्रोग्रेस के सामने पास का सिंबल आ जाएगा ग्रीन कलर में। ये देखिए दोस्तों, ये पास्ट हो गया ग्रीन लाइन ग्रीन कलर का, तो ये हमारा फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है या नहीं। कंप्लीट तो हो चुकी है हमारी फ्लैशिंग, तो आइए देखते हैं अब फ़ोन पे क्या कंडीशन है, चालू हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है दोस्तों, आइए फ़ोन पे देखते हैं क्या, फ़ोन को निकालते हैं। विशेष ये देखिए हमारा पास्ट का लाइन है, फ़ोन को निकालते हैं। फ़ोन को निकालने के बाद बैटरी एक बार निकाल लेंगे और बैटरी फिर से डालेंगे और फिर ऑन करेंगे। ऑन नहीं हो रहा दोस्तों, फोन ऑन नहीं हो रहा, बैटरी फिर से हम लोग खोलेंगे। ऑन नहीं हो रहा, बैटरी हम लोग फिर से निकालेंगे, फिर से डालेंगे, फिर से देखेंगे ऑन हो रहा है या नहीं। ऑन नहीं हो रहा दोस्तों, हमें लगता है कि बैटरी में चार्ज नहीं है, बैटरी चेंज करके देख रहे हैं, बैटरी में चार्ज नहीं होगा। ये बैटरी चार्ज नहीं था, लो था बैटरी, तो हम बैटरी चेंज करके देख रहे हैं। बैटरी चेंज करके देख रही है, चार्ज बैटरी है। ये देखिए दोस्तों, फ़ोन ऑन हो चुका। फर्स्ट टाइम ऑन होने में ब्लू स्क्रीन ही आता है, 41T में बहुतों को फ्लैश कर चुके हैं हम। ये फर्स्ट टाइम ऑन होने में थोड़ा ब्लू स्क्रीन आता है कुछ सेकंड्स के लिए, फिर से ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। देखिए, वेट कर लीजिए थोड़ा सा। ये देखिए ऑन हो चुका है फ़ोन हमारा, देखते हैं कि कुछ एरर आ रहा है या फिर फ़ोन पूरा ऑन हो रहा। और फर्स्ट टाइम ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए वेट कर लें और वीडियो को पूरा देखें, प्लीज़ स्किप ना करें, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। अपने लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर सकते हैं। ये देखिए फ़ोन हमारा पूरी तरह से ऑन हो चुका है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए आई मे वगैरह सारा चीज़ ओके है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।